गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकंड ईयर इंटर्नशिप की डायरी कैसे तैयार करते हैं इस पर चर्चा करेंगे कि बीएड के अंदर इंटर्नशिप के लिए आपको कुछ परफॉर्मी है जो हमें आजीवन काम देते हैं। जब आप सर्विस में जाओगे तो भी इंटर्नशिप के परफॉर्मी है उसका यूज किया जाता है, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे अपने। उससे पहले मेरा चैनल उषा गोदारा के नाम से है, उसको प्लीज शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अभी चलते हैं अपने एंट्रेंसिंग परफॉर्मेंस पे। ये है स्थानांतरण प्रमाण पत्र के नाम से स्कॉलर रजिस्टर जो है कैसे तैयार किए जाते हैं। टीसी परफॉर्मेंस स्कॉलर रजिस्टर सबसे पहली प्रक्रिया होती है। जब बच्चे का एडमिशन स्कूल में किया जाता है तो सबसे पहले हमें एडमिशन उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। उसको हम एसआर महामारी को जिस स्कूल में एडमिशन लिया जाता है उसकी डेट जो है वो मेंशन की जाती है यहाँ कि बच्चा जो है अगर उसी स्कूल में फर्स्ट बार एडमिशन ले रहे हैं तो उसको सेम डेट आती है, अगर किसी दूसरे स्कूल से आता है तो पहले वाली डेट इसमें आती है। अब इसमें कि वो स्कूल छोड़ने का रीजन क्या है वो रीजन दिया जाता है। फिर जो है इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है दो भागों में, ए और बी में। तो ए में आ जाता है दोनों रीजन की पहले की एडमिशन डेट क्या है और अब की क्या है उसका रीजन क्या है। बी भाग में क्या आता है कि उसका पूरा विवरण दिया जाता है कि बच्चे की कैटेगरी क्या है, बच्चे का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसके प्रवेश के समय आयु क्या थी उसका विवरण दिया जाता है, उसके पिता का नाम, पिता का व्यवसाय क्या था और पिछले विद्यालय का नाम क्या था जिस क्लास के अंदर वह अध्ययन कर रहा था, अंतिम कक्षा में उत्तीर्ण की थी तो उसका विवरण दिया जाता है। अगर उसमें बच्चा जैसे आप बीएड वाले को डीएड वाले को तो उसमें दिया जाता है कि मेरिट है या नहीं है, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो स्कूल के अंदर मेंटेन होता है उसको हम स्कॉलर रजिस्टर के नाम से जानते हैं। तो उसका विवरण करके एसआर रजिस्टर तैयार किया जाता है। तो पूरा का पूरा हमें ये सीखना होता है, इसमें पूर्ण किया जाता है। सेकंड आपका आता है इसी के साथ कि रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए प्रवेश दिनांक, प्रवेश की स्थिति क्या है बच्चे की, पीछे की क्या थी और अब की क्या है, टोटल उसकी अटेंडेंस क्या है, उसका विवरण जो है वो दर्शाया जाता है कि प्रवेश के समय उसकी क्या थी, कौन सी क्लास में थी और क्या किया जा रहा है, प्रवेश के बाद उसने एडमिशन लिया और उसके बाद कौन सी क्लास पास थी, उसका पास करने की बिना की जाती है, अटेंडेंस की कंडीशन क्या है कि कुल वर्किंग डे कितने थे, जैसे कि 200 वर्किंग डे होते हैं अब गवर्नमेंट ने 180 वर्किंग डे कर दिए हैं तो उपस्थिति दिवस जो है 180 आ गए और टोटल उसने कितने क्लास अटेंड की और लास्ट एग्जाम के समय अंतिम परीक्षा में उसका स्थान कौन सा था, मतलब रैंकिंग कौन सी थी, उसका विवरण जो है क्लास वाइज तैयार किया जाता है। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी उसी का स्कॉलर रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया जाता है। तो उसका व्यवहार कैसा था, सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि उसका व्यवहार कैसा है, कि उसका आचरण स्कूल के साथ कैसा है, इसका भी नंबर होता है कि उसमें विवरण दिया जाता है कि प्रिंसिपल और स्टाफ सब इसको जो है वो क्लियर करते हैं कि बच्चे का व्यवहार जो है कैसा है और किस तारीख को जो है रिजल्ट तैयार किया गया उसके उसको वेरीफाई किया जाता है। अब सेकंड हमारे पास है कि प्रवेश पंजिका। प्रवेश पंजिका का मतलब क्या है कि स्कॉलर रजिस्टर को मेंटेन कैसे करते हैं, उसमें टोटल जो एक बार स्कॉलर नंबर मिलता है एडमिशन के टाइम वही चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, इसमें नंबर हम चेंज नहीं कर सकते। पहले बच्चे का नाम आ गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, उस टाइम आयु कितनी थी, कितने वर्ष, कितने माह और पिता का नाम, पिता जो है इसका व्यवसाय क्या है और इसका एड्रेस क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, फिर राजस्थान में वो आजीवन रहता है या कितने टाइम से रह रहा है और उसका जाति और धर्म क्या है। ये इम्पोर्टेंट है
क्योंकि उसके कास्ट का विवरण जब एग्जाम फॉर्म भरा जाता है तब दिया जाता है। तो ऐसे हमें क्लास वाइज तैयार करना है, जिस भी क्लास के अंदर आपका टाइम टेबल आता है उसमें आपको तैयार करना है। फिर है स्टूडेंट एडमिशन रजिस्टर। स्कॉलर रजिस्टर तैयार करने के बाद सेकंड प्रोसेस रहता है कि एडमिशन रजिस्टर हम स्टूडेंट का कैसे तैयार करें। तो आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही है, उस पे है कि विद्यालय जिसमें पढ़ा हुआ है, जिसमें प्रमाण पत्र एवं दिनांक उसका सर्टिफिकेट जो आता है टीसी है उसकी दिनांक आती है, और उसमें जो है एडमिशन डेट उसका प्रोसेस क्या है, उसने कौन से स्कूल से छोड़ा था, कौन सी क्लास में लिया था, और यहाँ ये कॉलम सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके फीस का विवरण। जैसे सरकारी स्कूलों में हो आप तो सरकारी स्कूल के अंदर वैसे फीस नहीं होती, लेकिन यहाँ टीसी शुल्क होता है। पहले 10 रुपये होता था, अब जितना है वो आप स्कॉलर रजिस्टर देख के उसमें उसका विवरण दोगे, उसी की रसीद जो है वो कटती है। विशेष विवरण के अंदर कि अगर कोई विशेष जैसे लाइब्रेरी शुल्क है 5-10 रुपये होता है तो वो उसमें दर्शाया जाता है। तो ऐसे क्लास वाइज पूरा विवरण जो है स्टूडेंट का तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है उपस्थिति पंजिका। कि स्टूडेंट का हमने एडमिशन कर दिया, एडमिशन करने के बाद क्लास लगा ले के बच्चा जो है अपनी उपस्थिति देगा। अटेंडेंस रजिस्टर हम कैसे तैयार करते हैं कि कक्षा कौन सा सेक्शन है उसका विवरण, उसके बाद बच्चे का नाम। अगर क्लास के अंदर आपके पास 15 बच्चे हैं तो पहले सर्टिफिकेट हम 15 बच्चों का नाम लिखेंगे। स्कॉलर रजिस्टर के अंदर जो नाम है, पिता का नाम है, डिटेल डाल के हम उसकी अटेंडेंस का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक दिन में 2 अटेंडेंस लगती है कि सुबह की आते और जाते दोनों की अटेंडेंस लगती है। ये डेट वाइज बच्चा क्या करता है, सबसे बड़ी गलती इसमें करता है कि वो कंटिन्यू फिलअप कर देता है। यहाँ डे वाइज होती है, पहले सबसे पहले संडे और छुट्टियों को हम फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद डे वाइज अटेंडेंस लगती है। यहाँ एंड में टोटल होता है, टोटल का विवरण होता है कि 15 दिन का आपके सामने शो हो रहा है। ये यहाँ जो उपस्थिति है मंथ के एंड में, इस माह की उपस्थिति कितनी है कि बच्चे ने इस महीने में कितनी अटेंडेंस दी। 30 में से अगर वर्किंग डे हमारे पास 25 है, 25 में से बच्चा कितना परसेंट है, 22 है तो 22 लगाएंगे, 17 है तो 17 लगाएंगे, और पिछले मंथ गत मंथ का मतलब है कि पिछले मंथ उसकी अटेंडेंस कितनी थी, फिर टोटल उनका हम जो है योग कर देते हैं। यहाँ पे आती है अनुपस्थिति, एब्सेंट कितना था, उसने लीव ली, छुट्टियों का विवरण आ जाता है, और इसमें विशेष टिप्पणी की रीजन क्या है। मंथली अटेंडेंस जो है वो तैयार की जाती है। एंड में इसमें क्या है कि क्लास टीचर के साइन होते हैं, जांच करता जो इंचार्ज होता है इसके साइन होते हैं, और यहाँ प्रिंसिपल सिग्नेचर होने के बाद सील लगती है, तभी ये रजिस्टर जो है वेरीफाई मानी जाती है। उसके बाद इस माह में मीटिंग, मीटिंग का मतलब होता है डे, वर्किंग डे कितने थे, गत माह के कितने थे, और प्रारंभ में कुल मीटिंग कितनी थी कि उसकी उपस्थिति कितनी थी। ये औसत उपस्थिति की 25 में से कितनी 75% बनता है, उसकी उपस्थिति का एवरेज निकाला जाता है। ये उपस्थिति जो है मायने रखती है बच्चे के लिए कि एंड में एग्जाम के टाइम। यहाँ पर छात्रवार वर्गीकरण दिया हुआ है कि 6 से 11, 11 से 12, 14 से 17 और 17 वर्ष से ऊपर वाले। मतलब क्या है कि क्लास वाइज इसको शो किया जाता है कि यहाँ प्राइमरी का आता है, यहाँ मिडिल का, यहाँ सेकेंडरी का, इस तरह से इसको दर्शाया गया है। इसका विवरण देने के बाद टोटल निकाल कर बच्चे का एडमिशन किया जाता है। अब है कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर। कर्मचारी उपस्थिति की स्टाफ रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में जाते हो चाहे प्राइवेट जॉब में जाते हो, हमें रजिस्टर तैयार करने पड़ते हैं। सबसे पहले आता है जिस भी संस्था में हो, जैसे गवर्नमेंट में हो तो गवर्नमेंट स्कूल का नाम आ जाएगा, प्राइवेट में हो तो जिस संस्था का नाम है वहाँ आ जाएगा। यहाँ पर जो है स्टाफ की लिस्ट आ जाती है कि आपका पद सबसे पहले प्रिंसिपल का, उसके बाद जो इंचार्ज है उसका, और एंड में जितने अध्यापक है उनका विवरण दिया जाता है। और सेम प्रोसेस यही रहता है, इसमें भी
संडे और छुट्टियों पहले मेंशन होती है। इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है कि इसमें आगमन का टाइम कि जैसे स्कूल का टाइम है 7:30 तो यहाँ हम 7:30 मेंशन करेंगे, फिर साइन करेंगे। और प्रस्थान का टाइम जैसे कि गवर्नमेंट स्कूलों का टाइम 1 बजे का है तो 1 बजे 5 मिनट पे जाते हो 10 पे जाते हो वो हम इसको मेंशन करेंगे। इसी तरह ये टोटल रहता है, इसमें आपकी छुट्टियाँ होती है उसका भी मेंशन किया जाता है कि उसका रीजन क्या है। और प्रिंसिपल एंड में जो है इसको मंथ वाइज करके सेम रहता है। इसमें अवकाश होता है कि कितनी लीव हम कौन सी ले सकते हैं। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक कोई काम हो जाता है उसके लिए सीएम लगती है, जिसमें उपार्जित और आकस्मिक दोनों चीज आती है। और इसमें जो है ऑन ड्यूटी लीव कि अगर आप कहीं दूसरे स्कूल में जाते हो कोई काम करते हो तो वहां पर जो है उपार्जित लीव दी जाती है कि ऑन ड्यूटी की ड्यूटी में होते हुए जो है हम छुट्टी ले रहे हैं तो वहां डीएल लगती है। ये आपका अवकाश का प्रोसेस रहता है, स्टाफ रजिस्टर मेंटेन करने का रहता है। और इस तरह से संस्था प्रधान एंड में मंथ के एंड में उसको कितनी लीव ली टोटल करके साइन करके सील लगा के कंप्लीट करता है। तो इसी तरह आपको भी इंटर्नशिप के दौरान ये परफॉर्मेंस चारों कंप्लीट करने हैं, कंप्लीट करते हुए इंटर्नशिप की डायरी कंप्लीट करनी है। ये परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो हमारी साइट है jbtt.in, आपको लिंक जो है मिल जाएगा। और उसी दौरान आगे भी आपका हम समय समय पे नेक्स्ट वीडियो जो है बना के दे देंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको जो है समय समय पे जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।